आम आदमी पार्टी के द्वारा मोटे के महावीर धाम से एक रैली निकालते हुए कलेक्टर कार्यालय छतरपुर पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली के नाम जिला कलेक्टर छतरपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गुजरात में जहरीली शराब कांड के जिम्मेदार प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने एवं जिम्मेदार उच्च अधिकारियों को बर्खास्त कर हत्या का मामला दर्ज करने बाबत ज्ञापन दिया गया है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रज किशोर पटेरिया एवं रामलाल गौतम के नेतृत्व में छतरपुर जिले के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर छतरपुर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि गुजरात में जहां पूर्णतः शराबबंदी है, वहां पर जहरीली शराब पीने से लगभग 55 लोगों की मृत्यु हुई है तथा 150 से अधिक व्यक्ति जहरीली शराब से पीड़ित होकर अस्पतालों में भर्ती हैं, जो कि जीवन एवं मृत्यु से जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी समस्त जिम्मेदारी वहां के प्रशासन एवं प्रदेश सरकार की है, क्योंकि गुजरात राज्य में शराबबंदी होने के बाद भी उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरक्षण के चलते शराब माफिया प्रदेश सरकार के पर हावी है, जिससे वहां पर शराबबंदी के बाद भी शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है, जिसका यह कांड ज्वलंत प्रमाण है। गुजरात प्रदेश से प्रधानमंत्री मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, जो कि गुजरात प्रदेश के मूल निवासी और उन्हीं के प्रदेश में इस प्रकार की घटना होना शर्मनाक होने के साथ ही निंदनीय है। आम आदमी पार्टी आपसे मांग करती है कि गुजरात प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रदेश भाजपा सरकार असफल हुई है, अतः वहां पर ध्वस्त कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के परिपालन में प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाकर जिम्मेदार दोषी उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को बर्खास्त कर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। विराट 24 न्यूज छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। क्या हुआ, गुजरात सरकार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसके बाद भी वहाँ शराब पीने जहरीली शराब पीने से 50 लोगों की मृत्यु हो गई और 150 के लगभग एडमिट हैं। तो सरकार के विरोध में हम लोग ये बातें, जब वहाँ पूर्ण प्रतिबंध है तो शराब क्यों बेची जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार का कुछ सहयोग रहा होगा। और माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह का गृह जिला में अगर इस तरह की हरकतें हैं तो और दूसरे प्रदेशों में तो बड़े मुश्किल पड़ रहा है। तो हम लोगों ने ये मांग किया है कि गुजरात सरकार को भंग करें, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।